Hello, good morning, students. Today I am going to discuss with you the monetary policy of RBI. What is monetary policy basically and for what purposes it is used? That is, we are going to discuss over here. Monetary policy is the policy of the RBI through which government try to control the supply of money as well as credit in the economy. अब सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है ये हमारा इंपॉर्टेंट इश्यू है यहां पे दो सिचुएशंस होती हैं एक एक्सेस डिमांड एक डेफिशिएंट डिमांड ये कॉमन कंसेप्ट है जो हमारा आगे भी एक यूनिट में काम आएगा और यहां भी काम आएगा एक्सेस डिमांड क्या होती है देखो मार्केट में दो इंड... एजेंट्स हैं एक कंसेप्ट है कंज्यूमर्स का कंज्यूमर्स सारे मिलकर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री डूंगाउंटिंग हिस्स दूसरी तरफ है एग्रीगेट सप्लाई जितने भी प्रोड्यूसर्स है इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करते हैं एक साल में उन सबकी मार्केट वैल्यू को टोटल उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई ये एग्रीड डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये दो कंसेप्ट है ये कंज्यूमर से रिलेटेड है और ये प्रोड्यूसर्स से रिलेटेड है अगर जितना हम साल में प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम हो जाता है तो हम कहते हैं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी बैलेंस स्टेट में है लेकिन जब हम ये डिस्कस करते हैं कि डिमांड तो ज्यादा है लोग तो खरीदना ज्यादा चाहते हैं लेकिन उतना इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा तो ऐसी सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं दूसरी तरफ इसका उल्टा हो जाता है कई बार एग्रीगेट डिमांड का लेवल मार्केट में कम होता है लोग उतना खरीद नहीं रहे जितना के प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं तो उसको हम सिचुएशन को डेफिसियट डिमांड भी बोल सकते हैं अब जिसे हम एक्सेस डिमांड बोल रहे हैं उसको हम डेफिशियट सप्लाई भी बोल सकते हैं और जिसको हम डेफिशियट डिमांड बोल रहे हैं उसको हम एक्सेस सप्लाई भी बोल सकते हैं ये दोनों तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी the situation of excess demand is also known as a deficient supply and the situation of deficit demand is also called excess supply both are the same things these two concepts are same these two concepts are same

जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट मॉनिटरी पॉलिसी को आरबीआई इनिशिएट करता है आरबीआई चलाता है इस पॉलिसी को इसमें सबसे पहला मुद्दा है बैंक रेट अब देखो जो कंज्यूमर्स हैं वो सामान खरीदते हैं या तो वो कैश खरीदते हैं या फिर वो उधार लेके क्रेडिट के, के थ्रू खरीदते हैं अब बैंक रेट एक इंस्ट्रूमेंट है और मैं आपको कहता हूं कि मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को अगर हम बैंक रेट क्या है बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड फंड टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिस इज कोल्ड बैंक रेट अब मान लो यहां सबसे ऊपर है सेंट्रल बैंक बीच में है कमर्शियल बैंक और सबसे नीचे है जनरल पब्लिक मार्केट में मैंने क्या कहा कि एक्सेस डिमांड है इस मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो ऐसे में सेंट्रल बैंक क्या करेगा बैंक रेट को बढ़ा देगा जो बैंक रेट बढ़ेगी तो जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन महंगा हो गया एज ए रिजल्ट कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेज कर देंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब लोगों के लिए क्रेडिट महंगा पड़ेगा उधार महंगा पड़ेगा जब उधार महंगा पड़ेगा इसका मतलब क्या है लोग क्रेडिट की डिमांड कम करेंगे और जब क्रेडिट की डिमांड करेंगे कम करेंगे इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पब्लिक के पास कम हो जाएंगे जब लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कम होगा तो सी बात है अगर डिमांड की डिमांड भी कम हो जाएगी और जो अगर डिमांड कम होगी तो फाइनली जो सिचुएशन एक्सेस डिमांड की इसको रिमूव करने में हमें हेल्प मिलेगी ये हमारा पहला मुद्दा है एक्सेस डिमांड को बैंक रेट के थ्रू कैसे ठीक किया जा सकता है बैंक रेट को ही रेपो रेट भी बोलते हैं दोनों एक ही चीज है इसका सिर्फ मतलब ये लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रिक्वायरमेंट के लिए होता है इतना ही फर्क है और कुछ नहीं बाकी सेम ही है अब मान लो सिचुएशन है मार्केट में डेफिसिट डिमांड डेफिसिट डिमांड का मतलब लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं क्यों नहीं खरीद रहे है? या तो उनके पास पैसा कम है या क्रेडिट महंगा है अब ऐसे में आरबीआई को क्या करना चाहिए वट टू डू आरबीआई को या तो इस बैंक रेट को कम कर दे जब ये बैंक रेट कम होगी एज ए रिजल्ट कमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा इसका मतलब लोगों को क्रेडिट सस्ते में मिल रहा है उधार स, कम ब्याज पे मिल रहा है ऐसे में लोग क्रेडिट की डिमांड बढ़ाएंगे क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड ज्यादा हो जाएंगे जब फंड ज्यादा हो जाएंगे तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे और जो सामान ज्यादा खरीदेंगे तो डेफिशियट डिमांड की सिचुएशन को ठीक करने में हमें हेल्प मिलेगी ये पहला इंस्ट्रूमेंट है मेन बात यह है कि हमें मार्केट को बैलेंस रखना है इसके थ्रू सेंट्रल बैंक आर कंसर्न विद कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक आर कंसर्न विद पब्लिक तो सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक से डायरेक्ट तो डील नहीं करता वो कमर्शियल बैंकों के थ्रू ही करता है सो सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द बैंक रेट और डिक्रीज द बैंक रेट थ्रू विच इट कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनमी एंड सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशेंट डिमांड कैन बी क्योर्ड अब दूसरी बात है कैश रिजर्व रेशो सी आर आर हरेक बैंक को अपनी टोटल डिपोजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास जमा कराके रखना पड़ता है मान लो मैं एक बैंक हूं और मेरे पास सौ करोड़ रूपये हैं और आरबीआई ने फिक्स किया कि 10 परसेंट सीआरआर रहेगा इसका मतलब मैं अपने 100 करोड़ में से 10 करोड़ रुपया तो आरबीआई के पास फिक्स करा दूंगा अब मेरे पास जनता को देने के लिए कितने पैसे बचे 90 परसेंट अब इस 90 परसेंट को मैं यूज कर सकता हूं लैंडिंग के लिए अब सीआरआर कैसे यूज होता है अब मान लो एक्सेस डिमांड नेशनल मार्केट में फंड पहले ही ज्यादा है तो बैंक आरबीआई क्या करता है ये जो सीआरआर है जो दस थी इसको बढ़ाकर बारह कर देता है इसका मतलब अब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास चला गया और बैंकों के पास क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए पहले के मुकाबले में परसेंटेज फंडस कम रह गए जिससे मार्केट में फंड कम जाएंगे जब मार्केट में फंड कम जाएंगे तो लोगों को क्रेडिट कम मिलेगा क्रेडिट कम मिलेगा तो मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगा और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम होगा तो लोग क्रेडिट की डिमांड ज्यादा नहीं कर पाएंगे और मार्केट में एक्सेस डिमांड को ठीक करने में हेल्प मिलेगी वाइस वर्षा इसमें डेफिज डिमांड में होगा जब डेफिसेंट डिमांड होगी तो आरबीआई इसी सी आर को घटाकर मान लो पांच परसेंट कर देता है अब बैंक जो है पहले एटी एट परसेंट दे पा रहे थे अब वो पहले के मुकाबले में ज्यादा फंड्स मार्केट में लोगों को दे पाएंगे और जितना ज्यादा फंड्स जाएंगे मार्केट में क्रेडिट ज्यादा जाएगा उतने लोग डिमांड ज्यादा करेंगे डिमांड ज्यादा करेंगे तो डेफिसेंट डिमांड को ठीक करने में हेल्प मिलेगी तीसरा है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम बोलते हैं एस एस एल आर का मतलब होता है हर एक बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में जमा कराना पड़ता है मान लो आरबीआई ने कह रखा है बैंकों को कि आपको अपनी टोटल डिपॉजिट्स का बीस परसेंट जो है एसएलआर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो 100 करोड़ में से 20 करोड़ तो कहां चला गया एसएलआर में बैंक के पास लोगों को देने के लिए कितना पैसा बचा एटी परसेंट अब एटी परसेंट पैसा ही यूज किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा लोगों को लैंडिंग के लिए अब ऐसे ही एक्सेस डिमांड अगर है एक्सेस डिमांड में इस एस को बढ़ा दिया जाता है मान लो ये पच्चीस कर दिया तो बैंकों के पास लोगों को देने के लिए पैसा कितना बचा पचास परसेंट ऐसे मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी और जब फंड्स कम जाएंगे मार्केट में तो लोगों के पास की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी परचेजिंग पावर कम होगी तो वो मार्केट में सिचुएशन को ठीक करने में हेल्प मिलेगी और एसएलआर का जब डेफिजेंट डिमांड है तो एसएलआर को घटा दिया जाएगा इसे बैंक पहले के मुकाबले में ज्यादा क्रेडिट मार्केट में प्रोवाइड करा पाएंगे जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा क्रेडिट बढ़ने से लोगों की बैंक कैपेसिटी बढ़ेगी और मार्केट में डेफिजेंट डिमांड को ठीक करने में हेल्प मिलेगी इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इनटू द मार्केट थ्रू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट टाइम टाइम क्या करती है मार्केट में सिक्योरिटीज को इश्यू करती है कि लोग खरीदने सिक्योरिटीज को उसके लिए क्या होता है ब्याज की दरों को अच्छा दे दिया जाता है मान लो लोकरेटिव अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे अब मान लो एक्सेस डिमांड है एक्सेस डिमांड का मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है ऐसे में सरकार क्या करेगी सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देगी सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो क्या होगा जो फंड्स हैं वो चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास और लोगों के पास आ जाएंगे सिक्योरिटीज अब जो फंड गवर्नमेंट की तरफ चले गए इसका मतलब क्या है लोग अब उनकी बाइंग कैपेसिटी सरकार ने कम कर दी है क्योंकि फंड्स गवर्नमेंट के पास आ गए अब लोगों के पास पैसा कम है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कम है जिससे कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक करने में हेल्प मिलेगी दूसरी ओर क्या होता है जब डेफिसियंट डिमांड होती है मांग की कमी होती है ऐसे में आरबीआई क्या करता है इन सिक्योरिटीज को वापस परचेस करना शुरू कर देता है मार्केट से सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं और फंड्स जो हैं जनरल पब्लिक के पास पहुंच जाते हैं अब जब लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बढ़ते हैं तो बाइंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है जिससे कि वो ज्यादा खरीदते हैं और जिससे कि डेफिसियन डिमांड की सिचुएशन को ठीक करने में हेल्प मिलती है अगला इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है जब आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो और आपको कुछ सिक्योरिटी ऑफर करनी पड़ती है कि मेरा ये मान लो दस लाख रुपए का मकान है और आप ये ले लो और इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो तो बैंक क्या करता है टेन लैख की सिक्योरिटी पे आपको टेन लैख का लोन नहीं देता वो कुछ मार्जिन काटता है मान लो और वो मार्जिन कौन फिक्स करता है आरबीआई फिक्स करता है मान लो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने आरबीआई ने इसका मतलब दस लाख रुपए की सिक्योरिटी पे आपको लोन कितना मिलेगा सेवन प्वाइंट फाइव लैख टू पॉइंट फाइव लैख कहां चला जाएगा मार्जिन में चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब बैंक जो है सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कम लोन दे पाएंगे और यही मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर जो कम है तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे मान लो मैं इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट को 25 की जगह 15 परसेंट कर देता हूं तो उसी 10 लाख की सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बैंक अब आपको 8.5 लाख का लोन दे देगा और यही अगर जो इसको 35 परसेंट कर दिया जाए तो यह सिर्फ आपको 6.5 लाख का लोन दे पाएगा अब अगर जो सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है एक्सेस डिमांड है लोगों के पास पैसा ज्यादा है ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि लोगों को ज्यादा फंड मिले तो वो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने से सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बैंक कम लोन देता है मार्केट में क्रेडिट कम जाता है लोगों के पास क्रेडिट कम होने से एग्री डिमांड के लेवल को कम करने में हेल्प मिलती है दूसरी ओर अगर जो डेफिसियंट डिमांड है मांग की कमी है और बैंक क्या चाहेगा कि डिमांड बढ़े डिमांड बढ़ने के लिए क्रेडिट का फ्लो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ऐसे में बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाकर कम कर देता है जिससे कि उसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक अब पहले के मुकाबले में लोगों को ज्यादा लोन दे पाते हैं मार्केट में क्रेडिट ज्यादा जाता है और जितना ज्यादा क्रेडिट जाएगा उतना ही बैंक ज्यादा मतलब एक्सेस डेफिसियंट डिमांड की सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिलेगी और लास्ट ये शायद सिलेबस में नहीं है बस ऐसे ही बता रहा हूं राशनिंग ऑफ क्रेडिट राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है जो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है वो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए होता है प्राइमरी सेक्टर के लिए कितना सेकेंडरी सेक्टर के लिए कितना टर्सरी सेक्टर के लिए कितना होम लोन कितने एजुकेशन लोन कितना तो ये बैंक जो है टाइम टू टाइम क्रेडिट की रेशनिंग भी करता है कभी क्रेडिट को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उसका शेयर उसका कोटा बढ़ा देता है कभी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उस, उसका कोटा कम कर देता है मान लो इन्फ्लेशन आ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्रेडिट में रेशियो जो है कम कर दिया जाएगा मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन जा रहा है तो उसको क्रेडिट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसके शेयर को बढ़ाया जा सकता है तो रेशियोज को क्रेडिट की रेशियोज को कम या ज्यादा करके बैंक जो है इकोनॉमी में स्टेबलाइज़ करने की इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करता है तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे ये इंस्ट्रूमेंट जरूर सीबीएसई में पूछे जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा आपको कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड हाउ बैंक रेट इज हेल्पफुल टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकॉनमी इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा तो ये इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इसमें सिर्फ इसी बात को समझना कि सिचुएशन क्या है एक्सेस डिमांड क्या है डेफिशिएंट डिमांड क्या है और किन एक्टिविटीज से फ्लो ऑफ क्रेडिट मार्केट में बढ़ता है किन एक्टिविटीज से फ्लो ऑफ क्रेडिट मार्केट में घटता है इन चीजों के थ्रू आप मार्केट में बस आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है क्रेडिट एक्सेस डिमांड है इसका मतलब क्रेडिट के फ्लो को कम करना पड़ेगा डेफिसिएंट डिमांड है तो क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या आरबीआई को एक्शन लेना पड़ेगा कि मार्केट में फ्लो को अकॉर्डिंगली किया जा सके और दोनों ही सिचुएशन को करेक्ट किया जा सके तो थैंक यू सो मच सो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन आस्क मी सो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे